Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Dr. Punjab Rao alias Babu Saheb Deshmukh Memorial Medical College, Amravati, Maharashtra. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So जो इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश हुआ था ये 1984 में प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो एफिलिएटेड है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से. अगर एक्रीडिशन की बात करूं तो इसके पास MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्रीडिशन है. अब हम बात करते हैं कोर्सेज और फी स्ट्रक्चर की. तो ये MS और MD ऑफर करता है काफी सारी स्पेशलाइजेशन में जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थल्मोलॉजी. और MS की बात करें तो ये जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जैसी स्पेशलाइजेशन में ये ऑफर करता है. कंप्लीट लिस्ट जो है सारी स्पेशलाइजेशन की MD और MS की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पॉज करके रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में एग्जैक्टली MD और MS ऑफर होता है. अगर हम बात करें सीट इनटेक की तो MD एनाटॉमी में जो सीट इनटेक है वो है 2 सीट्स, देन फिजियोलॉजी में एक सीट है, देन पैथोलॉजी में कुछ अराउंड 7 सीट्स है, देन माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स है, देन फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन में भी 2 सीट्स है, देन ऑप्थल्मोलॉजी में 1 सीट है. और ऐसे कम्प्लीट सीट स्ट्रक्चर जो है सारी स्पेशलाइजेशन का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. अगर हम फीस की बात करें तो जो फीस स्ट्रक्चर है हर स्पेशलाइजेशन का वो डिफर करता है. जैसे कि अगर हम देखें एनाटॉमी को और फार्माकोलॉजी को तो उनकी जो फीस है वो है 6 लाख रुपीज. पर ये मैनेजमेंट फीस की बात करें तो मैनेजमेंट फीस भी इसमें 6 लाख रुपीज है. यूजुअली ये कई कॉलेज में डिफर कर जाती है. अगर हम देखें माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और पैथोलॉजी का सीट स्ट्रक्चर तो माइक्रोबायोलॉजी की भी 6 लाख फीस है और कम्युनिटी मेडिसिन की भी 6 लाख फीस है. पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी और वेनरोलॉजी की फीस जो है वो है 9,65,000 रुपीज. और MD जनरल मेडिसिन में जो आपकी मैनेजमेंट फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 38,60,000 रुपीज. सेम डर्मेटोलॉजी में भी आपकी मैनेजमेंट फीस जो है वो 38,60,000 रुपीज पड़ेगी. देन अगर साइकाइट्री को देखें तो उसकी आपकी ट्यूशन फीस रहेगी मेरिट के बेसिस पे 9,65,000 रुपीज और मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से आपकी जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 38,60,000 रुपीज. एनेस्थीसिया में आपकी सेम फीस रहेगी 9,65,000 रुपीज अगर आप स्टेट कोटा के हैं. एनेस्थीसिया ही नहीं आपकी जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सब में 9,65,000 फीस रहेगी अगर आप स्टेट कोटा या मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं. अगर साइकाइट्री की मैनेजमेंट की फीस की बात करें तो 38,60,000 रुपीज रहेगी. एनेस्थीसिया में मैनेजमेंट फीस 28,95,000 रहेगी. जनरल सर्जरी में 38,60,000 रहेगी. देन ऑर्थोपेडिक्स में भी सेम 38,60,000 रुपीज रहेगी. देन इसके अलावा कुछ फीस जो रहती है जो आपको देनी पड़ती है जैसे कि एडमिशन फीस जो एडमिशन के टाइम पे देनी रहती है वो 1500 की रहती है. देन होस्टल फीस आपको 1 लाख की रहेगी. देन लाइब्रेरी फीस आपको 25,000 रुपीज की देनी पड़ेगी. देन यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी फीस रहेगी आपकी 66,600 रुपीज की. देन कॉशन मनी रहेगी 1 लाख की. तो टोटल अगर फीस की बात करें तो स्टेट कोटा से आपको फीस पड़ेगी, स्टेट यानी कि मैरिट कोटा से आपको फीस पड़ेगी 9,93,100 रुपीज. तो ये था फीस स्ट्रक्चर और डॉक्टर पंजाब राव अलियास बाबू साहिब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का. मैंने आपको इसके MS एंड MD प्रोग्राम के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जैसे कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, कितना सीट इनटेक है और क्या फीस है. अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाते रहूंगी तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.